अमित को खुशबू खींच के लेके आई है। 7,000 में तेरे को गोदरेज का कबर्ड मिलेगा। गुड लक। नहीं स्मॉल टोपा, व्हाट इज दिस स्मॉल प्रॉब्लम? बट क्या डिनर तक आप ऐसे करते रहोगे भैया? नो यू आर नॉट वेजिटेरियन, डोंट टेल हर दैट नाउ। यू कैन कम एंड वॉच मी ड्रिंक माय मॉर्निंग कॉफी। Hi, what's up, you guys? Welcome to my Eid vlog. It is Eid today, so Eid Mubarak. I know आप लोग बहुत बाद में देख रहे हो, because Eid के बाद I have certain videos already planned for you all. But yes, it is Eid morning and already कुछ गड़बड़ हो गई है, because मेरी Eid कैसे हो सकती है जब तक कुछ गड़बड़ ना हो. कल रात को तो आपको पता भी नहीं क्या हुआ, बट कल रात को जो हुआ मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. अभी सुबह सुबह एज आई हैड माई बाथ, वॉन्ट टू गेट रेडी फॉर ईद, सो आई दिस एनुअल ट्रेडिशन वेयर आई डू माई ईद गेट रेडी विद मी. आई स्टार्टेड माई चैनल ऑन ईद डे, एंड मैं ईद के लिए जब तैयार हुई थी मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था. तो उसके बाद हर साल आई मेक दिस वीडियो ऑफ ईद गेट रेडी विद मी, और मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करती हूँ. तो आज के लिए हमारे पास है हमारे प्रिय अमित दे पीछे बैठा है, जो रेडी है शूट करने के लिए सुबह से 8 बजे से आके, और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ. बट पहले मैं जाके सबको ईद मिल लूंगी नीचे. होपफुली अगर इंशाल्लाह शिरकुरमा बनाए और इस साल ना फटाओ तो मैं खा पे शिरकुरमा भी पीलूंगी. यू हैव टू पुट लॉट ऑफ मिल्क ना, एंड दोज ड्राई फ्रूट्स अगर एक भी खट्टा निकल गया ना तो पूरा फट जाए. और ये लास्ट ईयर हुआ था, बट ये साल का ईद का जो होने बुरा हो सकता था वो तो ऑलरेडी हो गया ना, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ. तो अब तो आप शिरकुरमा फटने का चांस ही नहीं, तो मेरी माँ बच गई, उनका शिरकुरमा नहीं फटेगा. देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज मेरे एसी में से पूरा पानी लीक हुआ. तो अभी गर्मी में इतने एसी त्रास दे रहे हैं. सो आई टोल्ड द गाय हु आई रेंट फ्रॉम कि गिव मी अ न्यू यूनिट, बिकॉज द प्रीवियस वन वाज नॉट कूलिंग. सो गिव मी अ न्यू यूनिट, और इतना पानी टपका आई ओपन्ड माय कबर्ड. तो ये शर्ट एकदम ही नहीं, ये शर्ट गीली है बाबा, इसलिए मैंने निकाली. ये शर्ट गीली थी तभी मुझे समझा कि इतना पानी है. ये पूरे बेल्ट्स गीले थे ना, आई वाज लाइक सडनली हाउ इज ऑल दिस वेट, बिकॉज देयर इज नो चांस दैट फज कैन पी ओवर हियर एट दिस एंगल. बिकॉज फॉर द हेल, एंड आई एम थिंकिंग कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है. तो पूरा एसी का पानी लग के मेरा आइकिया का बहुत ही जो मतलब स्टडी होता है ना आइकिया फर्नीचर, वो फूक गया और पील ऑफ हो रहा है. और अच्छा हुआ कि मेरे कोई भी महंगे कपड़े नहीं थे ऊपर, बिकॉज ये ऊपर मैं मेरे खंड में रखती हूँ. यू नो दोज आइकिया स्टोरिंग्स, आई कीप माय क्लोथ्स, बट ऑल माय इंडियन वाज आउट, बिकॉज रमजान में मैं रोज इंडियन पहन रही थी. तो वो एक अच्छी चीज हो गई, मेरे इंडियन ही सबसे महंगे कपड़े. तो दैट वाज आउट एंड डिड नॉट गेट वेट, एंड द बेडशीट्स एंड ऑल वर देयर बट दे डिडंट गेट वेट. बट नाउ दिस इज अ डैमेज दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड ऑन ईद, एंड दैट आई हैव टू बेयर. पूरा लकड़ा फूक गया देखो यहाँ से. These are signs of adulting and I have nothing I can do about it. अभी जैसा चल रहा है वैसा काम चलाओ. मैं ट्रांसफर कर रही हूँ मेरी फाइल्स, क्योंकि आज ईद के दिन ऑल्सो माई वीडियो विल गो अप, तो मेरी एडिटर एडिट कर सकती है. हॉलीडे पे भी काम करते हैं. हॉलीडे होते ही नहीं है हमारे, हम हॉलीडे पे ही तो कॉन्टेंट बनाते हैं. ईद मुबारक. मम्मी मेरे को तो मिलो तुम, क्या हमें तो पापा भी मेरे को नहीं मिल रहे, मैं मेरे को नहीं मिल रहा ये दोबारा. अरे स्कूल आ रही है, अरे 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 हमारे यहाँ चलता ही नहीं है सब. शिरकुरमा बन गया भाई, तुमको दूसरों की ज्यादा पड़ी है, तुम मेरे को शिरकुरमा दो, मेरे को शूट करने जाने. अब उसको खुशबू खींच के लेके आई है. मम्मी पता है मेरे साथ क्या हुआ सुबह सुबह ईद के दिन? मेरा एसी में से पानी लीक होके पूरा कबर्ड फूक गया. कौन सा कबर्ड? एसी के नीचे कौन सा कबर्ड है? ओ शिट, कपड़े का कबर्ड. ऐसे भी वो डिस्पोज ही करना था. ये आईकिया का प्रोडक्ट्स ना एकदम, आई डोंट गारंटी आईकिया. मम्मी तुम चुपचाप शिरकुरमा दो, उस 11,000 में तुमको और क्या अच्छा मिलेगा कबर्ड में जरा बोलो. 7,000 में तेरे को गोदरेज का कबर्ड मिलेगा. ये बड़ी अच्छी बात कही है. स्टील का कबर्ड नहीं चाहिए मेरे को. नीचे इशू में फोटो निकाल लेती थी, 8 बजे से उठा है बच्चा मेरा. बट पहना क्या है? गंजी. तो मैं पिना देती थी. यू शुड हैव शिरकुरमा ऑन ईद, नॉट आमरस. मेरी मर्जी अनवर भाई. मम्मी दोनों चल दे, पहले मैं देखती हूँ शुरू. अमित टॉलरेट्स मी और आई टॉलरेट हिम. हाँ अमित बोल, तू बोल. आज तो तू बोल ही दे.
जाती है जानबूझ के करता है, वो जानबूझ के करता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, वो जानबूझ के करता है। एक बार नहीं बार बार मार रहे हो। तो टेस्टी देखो मैंने बनाई हूँ गाइस, मेरा स्किल जाएगी क्या? डोंट आउट मी लाइक दैट छोटू। असम्पशन का क्वेश्चन मिल गया और एक। कीप क्वाइट फजू, फजू नोबडी गिव यू भावना का मम्मा। ईद मुबारक फजू। ये शिकन फजू की शिकन फजू की शिकन शिकन। ईद मुबारक फजू। ये वाला हो outfit. I am sitting to shoot now. The get ready with me annual tradition जो अभी जाएगा, बाल ब्लू ड्राई होके रेडी है, मेकअप फटाफट से रेडी कर देती हूँ। A few moments later. All right, I am Eid ready, makeup everything done, went for a very subtle glam. Ishu के कपड़े लिए, she's going to wear new clothes. Ishu, you're going to wear new clothes. You came to get ready. You're getting tattoo. You got up from your sheep. Sheepy got up. Sheepy got up. तुम कुर्ता पजामा पहनो. Photo लेते फिर. Okay. कहाँ है बाकी के लोग? सबू कहाँ है? दिस इज योर माची दीदी सी, माची की फर्स्ट दीदी। टेक टेक योर क्लोथ, टेक शोनो, टेक। हेलो, गजब बेइज्जती है। यू लीस्ट इंटरेस्टेड, चल यू पुट योर क्लोथ्स। कम कम वी गो फास्ट, कम कम वी टू गो टैटू। नॉट टैटू, वी वेक न्यू क्लोथ्स एंड गो टैटू। नो, आई मेड अ मैचिंग बो टाई विद ईशांस कुर्ते का कपड़ा। फज्जी फज्जी Sara, he just put the pen. This is a clean. This is a clean fudge. Who's had a bath? No, good job. Arre, Isha. So cute. So cute. Nice. You turn out smart, handsome boy. Ishu, Eid Mubarak. Ishu, Eid Mubarak. Ishu, Eid Mubarak. Ishu, Fajr, Ishu, Big Bota, Ishu. Amit has come with his lens, going to take a lot of photos, issue photos. A few inches later. Guys, we've come to this location for shooting, so Amit is setting up his camera. और कल जो बुरा हुआ वो मुझे आपको बताना था कि मेरी गाड़ी पे मेरी गलती से डेंट लग गया, इतना गंदा वाला डेंट लग गया। बेसिकली बैंक्ड इनटू अ पोस्ट ऑफिस का जो पोल होता है ना, वो वाइल पार्किंग। सो इसको इन देना पड़ेगा अभी गैराज में, तो आज का दिन निकाल लेते हैं। अभी निहादी आई है हमको हेल्प करने। गाइस कैसे कैसे करके हमने फोटोज लिए, इतनी धूप है, मेरा मेकअप पिघल चुका है। कहाँ मैं घर से इतना अच्छे से तैयार होके निकली थी, कहाँ इतनी धूप है। और ईशान तो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता है फोटोशूट के लिए। इतनी धूप में कैसे तो उसको बच्चे को एक्सपेक्ट करती है। तो अभी हम जा रहे चाचा के घर पे ईद का लंच करने के लिए। मेरे को यार मम्मी तुम सब ईशान को देते हो, मेरा मकान है, मेरा मकान है। इतना दूर से स्ट्रेच करके बेचारा ले सारा। हाँ, और तो बच्चों के साथ, बच्चे के साथ कंपटीशन कर दिया। मैं भी बच्ची हूँ, मैं मेरी माँ की बच्ची हूँ। तो
इंश्योरेंस गेटिंग ऑल द ईदी दिस ईयर नो नो सिर्फ मखाना देना चाहिए था ईदी में खुश हो जाता था हाँ सस्ते में निपट जाता हूँ फिर क्या हाँ मखाने में पट जाता बिरयानी तो इतना फटाफट हम लोगों ने खा ली बस इतनी भूख लगी थी और बिरयानी वाला लेट आया तो जैसी बिरयानी है हम सब ऐसा घपाघप खा लिए अब मैं फ्रिज ढूंढ रही हूँ बस मैंने मंगाई है कुल्फी सबके लिए मलाई कुल्फी A few hours later. All right, I've come home for some time. Nahi abhi hum ghar pe hi hai, but I've come to this house. I've come to the studio because I'm editing my own video. Aaj jo Eid get ready with me annually, mera Eid ke din jata hai usually. I was trying to give it to my editor, but it's like 50 GB of footage. Amit shot it and it became way too much footage because uska camera zyada high resolution pe render karta hai. Bahut zyada footage ho gayi hai, matlab bahut heavy footage ho gayi. So by the time I give it on drive to my editor and then she downloads it and then she edits and then she sends me the video. अगली ईद आ जानी है तो उससे अच्छा मैं फटाफट से एडिट कर दूंगी बैठे बैठे मतलब माय फ्रेंड्स आर कमिंग एट नाइट सो बिफोर दे कम फॉर डिनर आई शुड फिनिश एडिटिंग एंड अपलोडिंग दिस वीडियो इट इज क्वार्टर टू सिक्स नाउ इट्स ऑल अप टू हाउ फास्ट कैन सारा डू दिस वैसे तो मुझे आदत ही है ईद के दिन एडिट करने की वीडियोस बिकॉज पहले मेरे पास एडिटर्स नहीं थे तो आई ओनली यूज्ड टू डू इट सो इट्स नॉट लाइक अ बिग थिंग बट हसल किए बिना हसल विद सार थोड़े होता है Look who we have for our Eid dinner. We have Ashish. I think every time we come on my channel, in white kurti only. Dil dil, yeah, you don't have clothes. The same thing only. I don't have clothes. You don't have clothes. Just don't zoom in. You know I'm fucking awkward. He's sipping on Vicharo vanilla, which I made for him. Vicharo vanilla is the name of the flavor. Did you not know? Wow. Okay, then we have Roshni in the house, who came on time for my Eid dinner. See, Roshni can be zoomed upon. And she has different clothes, guys. Every time she wears a new outfit for your entertainment. Hey, are you vegetarian? No. Harsh. Roshni, tu kya khayegi? This is a very big problem every time. No, tu bol na, tera mood kya hai? So we were down and then Ishan was creating a big fat mess. So we came up. He was doing kid things like playing Coco Melon on the TV. But yeah, I was trying to edit my video, jo nahi hua. So abhi maine छोड़ दिया गाइस मैं थक गई हूँ और मुझे नहीं एडिट करना आज तो मैं कल डालूंगी आई वांट टू स्पेंड टाइम विद दीस बफून्स हू कम फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी एस्पेशली रोशनी बिकॉज़ आई डिडंट मीट हर ऑन पूजास बर्थडे आल्सो या सो दैट्स व्हाई द मिनट रोशनी केम आई वाज जस्ट लाइक आई एम नॉट एडिटिंग दिस वीडियो एनीमोर फिनिश आई कांट लेट गो ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी टू बी विद माय फ्रेंड फॉर माय वर्क 20 मिनट्स लेटर आज का खाना आ गया तुझे कैसे नहीं समझा कि हम लोग का लाइट बंद है हम लोग का फ्यूज फिक्स हो रहा है मैं इधर ही बाजू में हूं ये लाइट बना दो उसके बाद आप वी डोंट हैव लाइट इन द हाउस हमारा फ्यूज उड़ गया है ईद दिन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं दे आर हैविंग अ बैंटर एंड रोशनी सो डन विद इट रोशनी इट्स हॉट इट इज वेरी हॉट आई एम सिटिंग ऑन द विंडो बिकॉज़ इट इज वेरी हॉट But tell me before this your AC and everything was working. So it was working but tripping. भाई अगर आपको कल सुबह करना है तो चलेगा क्योंकि ये अंदर वाले हैं ना अंदर ये चीज मैंने सीखा नहीं मेरे प्रोफेशन में Only two minutes. Okay. देख रहा हूँ नहीं देख ऑनलाइन आपकी लाइन चालू है ये देखो दिखाइए ये क्या अच्छा डेड डेविल Okay. We have some paranormal activity that happens that we don't talk about. Only Ashish knows about. Do you want to talk about it now on Eid day? And already today. Anyways, there's no light, so yeah. We can go and explain in touch with. Listen, just shut up, Roshni, you're scared. Give me a candle and go sit in the bathroom, okay? We'll chill. And then you'll have a new best friend. In the night, he'll come give you massages and stuff, free. No, same thing. Aake pair and shoulder to the bathroom. Do you want to go to the niche wala ghar because fuse is off? Yes. Do you want to give me a hug? आज मेरी ईद बहुत ही इवेंटफुल रही है अभी आपका चेकिंग हो गया तो अभी ऐसी चालू रहेगी ना चीजें नहीं मैं let's hope, let's hope.
भैया आपका अरे आप क्या 2 मिनट के लिए एसी कूलिंग के लिए ऑन किए थे? भैया आप मेरा एसी खराब कर दोगे, मेरा मेन एसी बंद कर। लिसन मम्मी, वो आसिफ को तुम दोनों एसी भिजवा दो, मैं तुमको बोल रही हूँ। मेरे एसी ने इस ईद पे क्या हैरान किया है। और ये पूछेंगे तेरे सब्सक्राइबर्स, यू हैव कंप्लेंट्स इन ऑल योर व्लॉग्स। डू आई रियली गाइस, आई सी द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इन अ लॉट ऑफ व्लॉग्स। व्हाट ब्राइट साइड? What bright side have I not seen? Abhi today what bright side is there to see? Exactly, it's not there, na, so I'm complaining, so that's the point. Toh kuch bhi bolo na, meri maa ko problem. Your mom is more gangster. She is a gangster, only my mother, you don't know her. Bro, this is full eyes. Oh, Roshni, Dirk. तू क्यों नहीं खाना मंगाने का सोची? आई डोंट नो। रोशनी का वेज खाना थोड़े है हमारे पास। यू कैन हैव जस्ट द राइस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। What are you in the mood for? As soon as you came, I asked. Now say fast. Roshni Chinese khayegi? Pizza khayegi? Pizza. Says, should we wait for you? But he's just serving his food. Yeah. Like how they say in Pune, आप तो चाय नहीं लेंगे ना? Like we are not waiting for you. ऐसा ऐसा कुछ है. I was hoping you'd say no. I mean, out of the goodness of your heart. But if you said yes, I would have waited. After serving your food. So. I mean, there's a way to make me feel bad, not make me wait. You serve yourself. Pooja, do you want me to serve for you? No, I think. Yeah, I just want people to say that. Roshni is reminiscing on our 2018 Eid photos. We all look so much more happier. What do you mean? Sure. Look so much more happier. We are not happy. Look at our faces. Yeah. There, look at our faces now. You've done this to yourself. Like life has happened to us. Yeah. We've adulted. Adults are like, ये देखो क्या बात कर रहे हैं, इनको लगता है life. You are so full of noodles. Pooja, तू तो सच्ची में जवान थी यार. I'm telling you. थी हो गया, ये past tense हो गया. रोशनी का खाना है finally veg. बिचारी. Thank you, bhaiya. I'm just looking here. I'm just. Please put this in a plate and give shorts. Thank you. Eid Mubarak, bol de sabko. Eid Mubarak. Vlog right here. Eid khatam ho chuki hai. It is 1:30 in the night and I need to go to bed. Kafi hectic sa din tha. Bahut hi zyada chaotic heat thi. Matlab had se zyada chaotic thi. Ek ke baad ek kuch na kuch gadbad ho rahi thi. Aaj pata nahi kya tha. Like from the time I got up, right from ye AC ka jo pani leak ho raha hai, wo abhi bhi leak ho raha hai. Udhar maine ek bottle aur tapeli wagera rakha hai pani collect karne ke liye. IKEA ke cupboard I know zyada reliable nahi hote hai and it's okay. Ab wo नुकसान हुआ है तो हुआ है, कुछ कर नहीं सकते, बट कल एसी बदलवाना पड़ेगा, रिपेयर करवाना पड़ेगा. एंड वो एसी का कंप्रेसर में प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से मेरे घर का फ्यूज ट्रिप हो रहा था. दोनों एसी का अभी प्रॉब्लम है जो मुझे कल, बेसिकली अडल्टिंग वाली बहुत हरकतें हो गई. काफी ही क्योटिक थी, बट आई हैड फन दैट पूजा एंड रोशनी और आशीष से मिल लिया. बहुत टाइम से पेंडिंग था उनसे मिलना, तो बिकॉज काम की वजह से यू डोंट गेट टू मीट फ्रेंड्स हु डोंट स्टे क्लोज टू यू. आशीष एंड आई डू स्टे क्लोज टू इच अदर, बट काम की वजह से ही नहीं मिल पाते. उसके वर्किंग आवर्स मेरे वर्किंग आवर्स बहुत अलग है, और पूजा और रोशनी से तो दे स्टे रियली रियली फार अवे फ्रॉम मी, एंड दैट्स द रीजन वी डोंट मीट दैट ऑफ इन द वे लाइक आई मीट पूर्णिमा एंड तमन्ना. दे डिडंट कम टुडे बिकॉज बोथ ऑफ देम वर वर्किंग टुडे, दे डिडंट गेट एन ईद ऑफ. तमन्ना डिडंट, पूर्णिमा वाज नॉट हियर, शी हैड टू गो समवेयर एल्स. So yeah, either ways, I had a good Eid with my family. Also, this was our first Eid with our dadi. Felt like ये मेरी पहली ईद है जब मुझे ईद ही नहीं मिली, मालूम है? Like that just hit me when I was removing my makeup. I was like, wow. I don't know why my parents didn't give me Eid. I will ask them that tomorrow. It is the next day, and this is a cut. No, from... no, Papa had kept already for all three of you. हम लोग दे रहे ना, मैं निकाल के दे रखे थे. वो तो तू मिली ही नहीं. बट दादी हमेशा देते थे लगी, हमेशा, बिकॉज ऑफकोर्स दादी तो सबसे बड़े थे, वो तो सबको ही देते थे. तो मुझे मेकअप उतारते समय बहुत बुरा वाला हिट हुआ के She was always excited about my Eid outfit. My dadi was the first person इनको ईद का कपड़ा तो देखना ही होता था. मतलब she's like, मीको नहीं दिखाई तूने, मीको कैसे नहीं दिखाई? Like it was a crime to not show her what I made or what I got for Eid. And
ये बार वो उनको नहीं दिखा रहे, ऐसा तसल्ली नहीं मिली कि नया कपड़ा बनाया, यू नो. और आज 2 साल बाद मैंने नया कुछ सिलाई हुई ईद के लिए. लास्ट 2 इयर्स आई वाज जस्ट रीवेयरिंग ओल्ड आउटफिट्स, बिकॉज हम कुछ नहीं कर रहे थे, कहीं नहीं जा रहे थे. ईद के टाइम पे ही वेव आ जाता था एंड कोविड की वजह से वी वर ऑल एट होम. सो इतना जितना आज मिले भी फैमिली को, वो आज 2 साल बाद हुआ है. बट वो भी ये साल दादी नहीं थे, तो इट वॉज नॉट लाइक, इट वॉज वेरी वियर्ड. लाइक दिस ईद वॉज very weird for me. I don't know how to explain, but either ways, I always like to look at the bright side of things, and I'm just happy that I have my family. At the end of the day, we have Ishan. It was his first Eid, and wo to mujhe special karni thi, isliye I wanted him to wear like kurta pajama, and he just accidentally, like, he chose the pink outfit and he accidentally became twinning with me, and looking so cute, so cute, like with his little legs he was walking. That was literally my highlight. I would say like Ishan was all of our highlights today. Like even when we were at Chacha's, I was everyone was like issue, अभी issue ही हो गया है. मैंने अपने rings उतार दिए, कल सुबह मुझे जिम है, मुझे सोना है, मुझे बहुत काम है. बहुत बड़ा हेक्टिक वाला हसल वाला वीक है, बिकॉज इम्पल्स कॉफीज इज लॉन्चिंग अ न्यू फ्लेवर. इंशाल्लाह जब तक आप ये वीडियो देखोगे मेरा सारा काम हो जाना चाहिए. तो सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे इम्पल्स कॉफीज के इंस्टाग्राम पे और न्यूज लेटर पे. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज लेटर, ऑल्सो टू दिस चैनल. इफ यू लाइक दिस वीडियो, बिग थम्स अप. फॉर दिस वीडियो, सारा स्पॉट शॉट आउट गोज टू फन विद इवाया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल. इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो, सारा स्पॉट शॉट आउट, यू नो व्हाट टू डू. हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू इट, एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट डाउन below saying hashtag Sara Squad, and you get a chance to be a part of my next video, Sara Squad shout out. I will see you guys in another video. Bye guys, good night, love you.